मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा आईएमए न्यूज डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 2 मार्च 2023 है। ये अपडेट आईएमए के इन्वेस्टर्स, एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स, इंजास के इन्वेस्टर्स और तमाम पोंजी कंपनीज के इन्वेस्टरों के लिए है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, माफी चाहता हूं कि मैं डिटेल में हर एक अपडेट आपको देने के लिए विद प्रूफ विद एविडेंस कोशिश में भी हमेशा रहती है। कुछ लोग जो है कमेंट में हमें ये कहते हैं कि शॉर्टकट में अपडेट दिया करें। देखिए भाई, शॉर्टकट में अपडेट से कुछ फायदा नहीं होता है। शॉर्टकट हमेशा डेंजर होता है। पूरी तफसीरी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आईएमए न्यूज डिजिटल को, और हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लंबी वीडियो नहीं चाहिए, शॉर्ट वीडियोस नहीं चाहिए, तो काले कौवे के वीडियोस देखिए, या तो वो फरेबी फैब्रिकेटेड एसोसिएशन के वीडियोस देखिए जो लॉलीपॉप एसोसिएशन है। कल रात में अचानक से दो अपडेट्स आए, उसमें खास कुछ सर न टांग न कुछ था। जब कोई केस की हियरिंग अटेंड करता है तो पूरी तफसीली रिपोर्ट सामने पेश करनी होती है। हालांकि वो बात अलग है कि मैं कहां बैठा हूं, वो आप लोगों को मत, उसमें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन रिपोर्ट जो आपको मिलती है वो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट वो है इस आईएमए न्यूज डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स, एम्बिडेंट, इंजाज, बुर्राख, मॉर्गिनाल, हीवा गोल्ड, आला वेंचर्स वगैरह वगैरह, नाफी एडवाइजरी, टीफॉप के इन्वेस्टरों से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएमए न्यूज डिजिटल को ताउन करें, सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल का गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। आपसे बार बार अपील की जा रही है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9880324059। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9880324059। माफी चाहता हूँ, 2 मिनट आपके जाए हुए हैं, पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आईएमए की अपडेट तो मैं आपको आखिर में दूंगा, फिलहाल आप लोगों के लिए एम्बिडेंट की बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम्बिडेंट के केस में तकरीबन 15,000 इन्वेस्टरों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में अपना क्लेम दर्ज किया है, और इन 15,000 एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों का कुल मिला के जो क्लेम है वो 100 करोड़ रुपए इनको वापस आना बाकी है। उन 100 करोड़ में 33 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो है कोर्ट ने कल 1 मार्च 2023 को एम्बिडेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर इश्यू किया है। जैसे आईएमए में आवाम का पैसा प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके जो पैसा जमा होता है उसको रिफंड करने का ऑर्डर आया था आईएमए के इन्वेस्टरों को, बिल्कुल उसी प्रकार का एक ऑर्डर जो है एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के लिए भी आया है। एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के लिए ऑर्डर ये है कि जो प्रॉपर्टीज जो सीज किए गए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, उस प्रॉपर्टीज को बेच करके पब्लिक को पैसा देने का ऑर्डर निकला है। उस ऑर्डर की कॉपी को मैं जो है आपके सामने डिस्प्ले करूंगा और पढ़कर सुनाऊंगा। आईएमए के न्यूज के लिए बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, वीडियो आखिर तक देखें। अब आईएमए, एम्बिडेंट, इंजाज, बुर्रा, खीवा गोल्ड या वगैरह वगैरह, आला, नाफी एडवाइजरी, तमाम पोंजी कंपनीज के जितने भी विक्टिम्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो भी नौटंकी कुमार या लोचा मुक्ता के तरफ से जो प्रोटेस्ट अरेंज किया गया है इसको अटेंड ना करें, ये वीडियो को जरूर देखें। एम्बिडेंट की अपडेट होगी,
लेकिन तमाम इन्वेस्टरों को भी अपडेट देखना जरूरी है, क्योंकि मैं इन चोरों का जो है खुलासा करने जा रहा हूं। तो चलिए अभी हम जो है अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2023 को हियरिंग हुई थी कोर्ट में, मिस्क नंबर 1615/2022। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड फ्लोर, मिनी वीवी टावर, पोडियम ब्लॉक, डॉक्टर अंबेडकर विधि, बेंगलुरु। रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डॉक्टर अशोक डी आर, जॉइंट सेक्रेटरी, एज्ड अबाउट 40 ईयर्स। बाय स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री वेंकटेश पी दलवाई। एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो ये था जो है मेकिंग इंटरिम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट एब्सोल्यूट, ठीक है। द पेटिशनर बीइंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एम्बिडेंट मार्केटिंग हियरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज रेस्पोंडेंट नंबर वन कंपनी हैज फाइल्ड द पेटिशन अंडर सेक्शन ये ब्ला 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 ब्ला। सब लोग शॉर्टकट में दिखाने को बोलते हैं, तो केस का नंबर आप नोट कर सकते हैं। ऑर्डर की कॉपी मैं जो है ग्रुपों में डाल दूंगा, आप वहां से जो है ले सकते हैं, वहां से आपको फॉरवर्ड हो जाएगी, राइट। वैसे मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए, कितने प्रॉपर्टीज अभी तक जो है कोर्ट ने सिक्योर किया, कितना पैसा जो है रिकवर हुआ है, जो पैसा जो है रिलीज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, राइट। दरअसल दोस्तों द कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट प्रोड्यूस बाई, ये शॉर्टकट में पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, 17 पॉइंट है। द कॉपी ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, द कॉपी ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट प्रोड्यूस बाई द पेटिशनर एज पर एनेक्सर के क्लियरली रिवील्स दैट एन अमाउंट ऑफ 33,59,99,996 वॉज ट्रांसफर फ्रॉम दी रेस्पॉन्डेंट नंबर वन कंपनी इन फेवर ऑफ एम एस संचिया लैंड एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एज पुट अप बाई दी पेटिशनर। फर्दर द कंटेंट्स ऑफ द सेल डी डेटेड 19/11/2018 एग्जीक्यूटेड बाई एम एस संचिया लैंड एंड एस्टेट इन फेवर ऑफ रेस्पॉन्डेंट नंबर टू विथ रिगार्ड टू पेटिशनर बी एंड सी शेड्यूल प्रॉपर्टीज रिवील दैट द सेट प्रॉपर्टीज वर सोल्ड इन फेवर ऑफ द रेस्पॉन्डेंट नंबर टू By the said company for a total sale consideration of 31,63,477, and out of which 30,30,30,144 was paid by the respondent number one company, company से एम्बिडेंट की कंपनी से पे किए गए थे। सो फार एज द पेमेंट ऑफ 1,33,333 is concerned, there is no clarity as to by whom it was paid. Therefore, on going through the sale deed, it is clear that the amount for purchasing the scheduled property by respondent number two was paid by the respondent number one company. It is the specific connection of the petitioner that the respondent number two is only the Benami purchase of the scheduled property nominated by the respondent number one company and entire sale consideration was being paid by the respondent number one company. यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है तकरीबन जो है एक क्या नाम है वो कंपनी, कोर्ट का मानना ये है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहा है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इतना काम तो हमारे एडवोकेट्स भी नहीं कर पाएंगे। संचिया लैंड एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, ये झूठा चोर फरीद जो है उसने प्रॉपर तकरीबन 33 करोड़ चिल्लर पैसा जो है इस कंपनी को, संचिया लैंड एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किए थे, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सबसे पहले तो ये बात है, और चोर फरीद ने एक और एक काम किया, सिर्फ 31,63,477 को प्रॉपर्टी से रजिस्टर किया है, बाकी के पैसे गए कहाँ, ये हो गया। तो ये सब हियरिंग हुई, ये तमाम चीजें हुए।
अब ये चीजें होने के बाद बाकी के सारे चीजें यहाँ पे पूरी आर्ग्यूमेंट हुई है, पूरा आर्ग्यूमेंट होने के बाद ये लंबा चौड़ा भाषण है, इसमें पूरी डिटेल में तफसीली है। तो ऑर्डर में सीधा सीधा कहा गया है, क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ कितनी लैंड है वो सारी चीजें जो है दिखाई देता है, मैं उसको देखता हूँ। यस, ऑन गोइंग टू द शेड्यूल ऑफ द पेटिशन इट इज क्लियर दैट द पेटिशन ए शेड्यूल प्रॉपर्टी इज रेसिडेंशियली कन्वर्टेड प्रॉपर्टी मेजरिंग 7 acres 16 गुंटा सिचुएटेड एट देवनहल्ली विलेज पंचायत कसबा ओली देवना हल्ली तालुक बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। द पेटिशनर सीन शेड्यूल प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर 6 इज प्रपोज स्काई व्यू अपार्टमेंट शेड्यूल बी प्रॉपर्टी। एक तो 7 acres की प्रॉपर्टी है, उसमें एक जो है फ्लैट, पर्टिकुलर फ्लैट 603 जो 603 जो है 6th फ्लोर का फ्लैट, वो चोर फरीद ने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, जो आवाम का पैसा है। एक तो वो, और दूसरा वो 33 करोड़ का भी मसला है, वो पैसों में से 7 acres 16 गुंटास जो है प्रॉपर्टी देवनहल्ली बेंगलुरु में परचेज की गई है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दावा था कि ये प्रॉपर्टी भी जो है आवाम के हक में आना चाहिए। तो वो दावे को जो है यहाँ पे क्लियरली बताया गया, द कॉपी ऑफ द अटैच प्रोड्यूस बाय द पेटिशनर 33 crores 59 lakhs 59,99,900, मतलब तकरीबन 33 crores 59 lakhs, यानी कि 33 crores 60 lakhs मोटा मोटा ले लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 रुपए के ही डिफरेंस है। संचिया लैंड एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की जो केस की हियरिंग चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था कि ये कंपनी वाले, रियल एस्टेट कंपनी वाले जो है बेनामी है एम्बिडेंट के फरीद के करके कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुई थी और बहुत लंबा चौड़ा केस चला था। लेकिन कल जो है, कल की हियरिंग में जज ने जो है एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के फेवर में ये 33 करोड़ 60 लाख की प्रॉपर्टी उनके फेवर में किया। यहाँ पे क्लियरली बताया है कि कॉन्सिक्वेंटली एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ कंसर्न अंडर सेक्शन 12 ऑफ 4 ऑफ KPIDFE Act 2004, the interim order of the attachment passed by the government in notification, blah blah blah, is hereby made absolute with regard to the petition scheduled property stated to be purchased by the respondent number 2. The competent authority is hereby directed to take steps expeditiously for realization of the amount from the said property. ये property को बेचने के लिए, realization मतलब प्रॉपर्टी को बेच के इसमें से पैसा इकट्ठा करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोला गया है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेट प्रॉपर्टी अमंग द डिपॉजिटर्स ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 कहा गया है, और हर 2 महीने में कोर्ट को अपडेट देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जज ने कहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि 33 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट वैल्यू पे, हमेशा हमें भी मालूम है कि क्या होता है बेंगलुरु में या पूरे इंडिया में, ये तकरीबन 1 करोड़ की, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। पूरा का पूरा पैसा जो है रिकवरी हुआ होगा, क्योंकि उस समय 33 करोड़ की थी, तो उसकी गवर्नमेंट वैल्यू भी आज बढ़ गई होगी, उसकी वैल्यू जो है आज एटलीस्ट एक 10% या 20% तो भी बड़ी होगी। तो 33 करोड़ की वैल्यू आज 50 करोड़ हो गई होगी, तो 100 करोड़ नहीं तो भी तक कम से कम जो है 70-80 करोड़ तो बनते ही हैं एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के, और इनको जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता है। IMA के इन्वेस्टरों को जितना रिकवर हुआ उससे इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को इंसाफ थोड़ा अच्छा मिलेगा इसमें, क्योंकि 100 तकरीबन 15,000 इन्वेस्टर्स ही हैं, और इनका जो भी पैसा है 100 करोड़ ड्यू है, तो उसमें 70-80 करोड़ इनडायरेक्टली यहाँ पे रिकवरी दिखती है। तो ये प्रॉपर्टी को अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर फेयर ई ऑक्शन करेगी बिना कोई प्रॉब्लम्स के, बिना कोई इंटरनल सेटिंग्स के, अगर सही तरीके से अगर ये ऑक्शन करेगी, अगर हम इस पे नजर रखेंगे तो तकरीबन 60 से 70 या 80 करोड़ तक जो है पैसा रिकवर हो सकता है। 70 करोड़ भी अगर रिकवरी हो जाएंगे तो तकरीबन 70% एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को मिल सकता है। अब बात ये आती है कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोचा मुक्ता के लोग, नौटंकी कुमार
जो भी हैं ये लोग प्रोटेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, इन प्रोटेस्टों में हिस्सा मत लीजिए। सबसे पहली तो बात ये है कि मैं गोवा में बैठा हूँ या कौन से दुनिया के कौन से कोने में बैठा हूँ, दुबई में बैठा हूँ, खत्ता में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, हैदराबाद में बैठा हूँ या कहाँ बैठा हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अपडेट विथ प्रूफ विथ एविडेंस दे रहा हूँ, ये सबसे पहली पॉइंट है। अभी तक मैं कल से देख रहा था, कल रात को भी दो चोर आए थे YouTube में और अपडेट्स दे रहे थे। एमए के भी एक चोर ने दिया लॉलीपॉप एसोसिएशन वाला, और दूसरा चोर काला कौवा आया वो एम्बिडेंट का, आईएमए का, दोनों का अपडेट दिया। लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि प्रॉपर्टीज को बेच करके आवाम को पैसा देना है करके एक खुशखबरी आई है, वो नहीं बोला है। हालांकि पैसा लिक्विडेट माल मतलब प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में डाल के उसको बेचने के बाद पैसा आएगा, वो पैसा आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, टाइम की हम कोई बात नहीं कर सकते। कितना पैसा आएगा ये नहीं कह सकते, अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आईएमए के इन्वेस्टरों का अंदाजा बोला है, मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि इतना पैसा आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा। हमेशा मैं बोलता हूँ कि इतना मुझे उम्मीद है कि इतना तक पैसा आएगा, हमेशा यही बोला है। मैंने किसी को नहीं बोला कि 25,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। 50,000 तक कोर्ट से ऑर्डर है देने के लिए आईएमए के इन्वेस्टरों को करके बोला है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि सबको 50,000 यहाँ। और ये भी एक बात जो है, बात का जो है, कुछ चोर यूट्यूबर्स स्पेशली वो काला कौवा यूट्यूबर जो है वो बोलते हैं कि 50,000 तक के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को पैसा देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके। मैंने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला अलग असेंडिंग ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा है उसको पढ़ के बोला है, मतलब छोटे इन्वेस्टरों को पहले दिया जाएगा, बड़े इन्वेस्टरों को जैसे जैसे उनका नंबर आएगा वैसे वैसे दिया जाएगा करके। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद नहीं, हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। 80 करोड़ रुपए अभी जो जमा हुआ है उसको रिलीज कर रहा हूं करके एक परमिशन लेटर इश्यू करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वहां पे। प्रोटेस्ट को अभी अटेंड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि अभी गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी वक्त जो है इलेक्शन आने वाला है 2 महीने के अंदर। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में गवर्नमेंट को जो है मॉनिटर किया जाता है। अगर हम अभी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ कर दे, जादू कर दे, ऐसा कुछ कर दे, वैसा कुछ कर दे, पैसा जो है आईएमए के इन्वेस्टर्स हो या एम्बिडेंट, इंजाज, बुर्राख वगैरह, हीरा गोल्ड, इनको पैसा मिल जाएगा, हम प्रेजर डालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये लोग सिर्फ आपको कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम जो है जैसे ही पावर में आते हैं आपको वापस जो है ये मॉडल कोड ऑफ इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे करके या देंगे करके कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये हकीकत है। हाँ जब आवाज उठानी चाहिए थी मैंने आवाज उठाया है, जिस टाइम पे जिसको लेटर जाना चाहिए था, जिसको प्रेजर जाना चाहिए था, इलेक्शंस आने से पहले जो कदम उठाने थे, ये 2 महीने की जो ये रिस्ट्रिक्शंस होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आने से पहले जिस जिसको प्रेजर डालना था मैंने वो किया, और कुछ एमएलए जो है सपोर्ट किए, लेटर इशू, लेटर जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए, जो भी करना है वो करें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले जो है हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, क्योंकि हाँ पहले उतना सीधा केस नहीं चल रहा था एम्बिडेंट का, लेकिन आईएमए का केस हाईलाइट होने के बाद आईएमए के इन्वेस्टरों को जैसे जैसे पैसा रिकवर होता जा रहा है, जिस तरीके से वो केस की जो है फास्ट ट्रैक में केस चल रही है, हमारे हिसाब से तो वो लेट है, लेकिन इंडिया के केसेस के हिसाब से जितने भी पोंजी कंपनी, आईएमए सबसे पहली कंपनी है जिसमें पैसा रिकवर हुआ है, लेकिन आपको एम्बिडेंट का पैसा भी जो है रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब बेंगलुरु एक ऐसा बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे पहली बार एक पोंजी कंपनी का पैसा जो है वापस मिल रहा है, मिला नहीं है कुछ लोगों को ही, आईएमए के इन्वेस्टरों को मिला है, लेकिन एम्बिडेंट को भी मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन चोर यूट्यूबर, वो काले कौवा, वो लॉलीपॉप पाशा वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जितने भी वो नौटंकी कुमार, लोचा मुक्ता वाला, इन तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये खुशखबरी आपने क्यों नहीं दी जब आपने कोर्ट की हियरिंग
जो है अटेंड की है। आप जब एक एडवोकेट को हायर किए हैं तो आपके एडवोकेट्स को इसके बारे में क्यों इल्म नहीं है, अभी तक इसकी अपडेट क्यों नहीं दी है? अभी प्रोटेस्ट के लिए आवाज देने का मतलब क्या है, जब पैसा रिकवर हो चुका है, पैसा देने के लिए कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर इश्यू कर दिया है, आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? आप किसको चॉकलेट दे रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आपको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब लोग आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, सब लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। गवर्नमेंट के एडवोकेट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, इनको उंगली भी नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर हमें तोहमत भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ सियासत के लोग जो है, चाहे वो लोचा मुक्ता हो या नौटंकी कुमार हो या ये बिलाला पाशा, जो लॉलीपॉप पाशा है, जो फैब्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये लोग जो है आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो काला कौवा भी आपको बेवकूफ बना रहा है। ये लोग जो है आपको सिर्फ जो है कहते हैं कि हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जा रहे हैं, वो जा रहे होंगे, मैं उनके ऊपर कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन काम क्या हो रहा है भाई, मुद्दे की बात क्या है? आपको अगर आप गए हैं कोर्ट में, अगर आप कोर्ट की हियरिंग सुने हैं, तो इतनी बड़ी अपडेट आप क्यों नहीं दी अभी तक? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपका एडवोकेट तो कहीं दिखाई नहीं देता है, ना लोचा मुक्ता वाले का दिखता है, ना नौटंकी कुमार का एडवोकेट दिखता है कोर्ट के हियरिंग्स में, केसेस में, ना वो IMA के केस में वो फैब्रिकेटेड एसोसिएशन का लॉलीपॉप पाशा के दिखते हैं, ना किसी के दिखते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप ही मिलता है। खैर, मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, एक और एक ऐलान है कि IMA की अपडेट्स हो या कोई भी पोंजी कंपनीज की अपडेट्स अगर आपको चाहिए, तो बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मैं मजबूर हूँ, एक लास्ट ऑप्शन है, अगर आप वॉलेंटियरली हमें सपोर्ट करते हैं, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना दो उतना दो उतना दो करके, वॉलेंटरीली अगर आप हमारे इस YouTube चैनल IMA News Digital को सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप सपोर्ट करते हैं, कुछ भी आपसे जो भी बनता है, आप अगर डोनेशन देते हैं, तो हम IMA की न्यूज़ कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में, एक दो तीन दिनों के अंदर आपको अपडेट आएगी, मैं देखूंगा आज क्या होगा। हमारा गूगल पे का फोन पे नंबर, फोन पे गूगल पे का नंबर है 9880324059। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ जो है पेड हो जाएगी, जब आप IMA की न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बिना पैसे दिए देखना पड़ेगा, इस पे मुझे मजबूर मत करिएगा। हमने फैसला किया है कि 299 रुपीज मंथली आपसे चार्जेस लिया जाए IMA की न्यूज़ अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमें हमारे एक्सपेंसेस को बेयर करने नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बार बार जो है अपील कर रहा हूँ, मैं आपको खिदमत करने के लिए आया हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब हमारे एक्सपेंसेस हम बेयर नहीं कर पा रहे हैं, कब तक हम कर पाएंगे? आपको जेन्युइन अपडेट्स हम दे रहे हैं, कोई और नहीं है। अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो कम से कम वॉलेंटरली सपोर्ट करिए, अगर आप वॉलेंटरली नहीं सपोर्ट करेंगे तो मजबूरन हम पूरी की पूरी न्यूज़ चैनल को पेड चैनल पे बदल देंगे, जिसमें मिनिमम 299 रुपीज पर मंथ चार्ज किया जाएगा। हाँ, हमने पोलिंग के लिए ऑप्शन लगाया है, देखते हैं क्या होगा। हम 299, 199, 599 का जो है सर्वे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा तादाद में लोग जो है 199 के लिए सेलेक्ट करते हैं तो 199 चार्ज करेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर 299 के लिए ये करते हैं तो उसको हिसाब करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज निकालेंगे कि कितने लोग किस में जुड़ने वाले हैं। 599 वो भी एक प्लान है। अगर मान लीजिए कि 599 के लिए 10 लोग आगे बढ़ते हैं और 199 के लिए 20 लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एक्सपेंसेस को कौन सा फ़ायदा बेहतर समझाएगी सही लगेगा। अगर मान लीजिए कि 50 लोग आगे आते हैं 199 पे करने के लिए, तो हम 199 की सब्सक्रिप्शन प्लान लगाएंगे। तो इस हिसाब से जितने ज़्यादा लोग हमारी पेड न्यूज़ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, उस हिसाब से हम जो है पेड न्यूज़ को आपके सामने रखने वाले हैं।
फिलहाल बस इतना ही है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे अपील है मैं फ्री चैनल को पेड न्यूज चैनल में बदलने पे मुझे प्लीज मजबूर मत करिए, हमारी मजबूरी को समझिए। हम इतनी बार कह रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये चैनल भीख मांग रहा है, ये भीख नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। आपको भी पता है चैनल्स को चलाने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, रिपोर्ट्स निकालने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हिडन चीजें होती हैं जिसको हमें बेयर करना होता है, उसकी कॉस्ट को उठाना पड़ता है। 4 साल से हमने मैनेज किया है, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम मजबूरन इस चैनल को फ्री से पेड में बदलना पड़ेगा। आप इसको कुछ भी समझिए, अगर आपको लगता है कि भीख है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग समझते हैं कि ये भीख मांग रहा है बोल के, वो लोग ऐसी अपडेट्स हमारा सपोर्ट डिजर्व नहीं करते। जो लोग हमारी इज्जत करना जानते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, वो लोग हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग हमारे इज्जत नहीं करते, हमारे चैनल की कदर नहीं करते, हमारे चैनल को सपोर्ट करने की नहीं सोच रखते, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। नुकसान उनका होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। हम वक्त लगाते हैं एक अपडेट देने के लिए, कम से कम एक अपडेट देने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 3 4 दिन लगते हैं। ये सब मामूली बात नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। तकरीबन 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आईएमए की अपडेट बस इतना ही है कि 3 मार्च 2023 को हियरिंग है सीबीआई के केस में, ईडी के केस में हियरिंग जो हुई थी 27 फरवरी 2023 को, उसकी अपडेट मैंने जानबूझकर नहीं दी है, उसकी हियरिंग 17 मार्च को आगे उसकी हियरिंग है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की हियरिंग है। वो अपडेट्स फिलहाल हमें जो है वो चार्जेस जो फ्रेम हो जाएंगे वो होने के बाद ही हम पूरी की पूरी अपडेट्स आपको दे पाएंगे। फिलहाल दोनों केसेस की अपडेट आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी अपडेट जो है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिफंड के लिए रिलीज का एप्लीकेशन डालेगी तब अपडेट आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी के अपडेट्स जब वक्त आएगा उस टाइम पे आपको जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत मांगता हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल आई मीन इस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, शुक्रिया, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।